हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे आप सभी गाइस? तो गुड इवनिंग। तो रात के खाने की तैयारी में मैं लग गई थी। तो सबसे पहले मैं आप लोग देख लीजिए, मैं सबसे पहले सब्जी के लिए ना यहाँ फ्रिज खोली हूँ और सब्जी निकाल रही हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड जी ने कहा है कि सब्जी और पराठे खाएँगे और बाकी सब लोग सब्जी पर रोटी ही खाएगा। तो सबके लिए यहाँ पर भिंडी की सब्जी मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है, प्याज है, मिर्ची है, बाबू के आलू की सब्जी भी बन गई। और यहाँ पे अब इसी कढ़ाई में भिंडी बन रही है और यहाँ पे रोटी भी बन रही है। इन लोग ये बना रही है सालू जी, पांडे नहीं बोलूँगी, नहीं तो बोलेगी पूरा डिटेल में बताती है दीदी। अब ठीक है, तो अब ये खुश है कि मैं इनके डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो अभी भिंडी की सब्जी बनाते हैं। देखने के लिए आई है। पहले तो पूरा प्याज डाली है, अभी हल्के तो ये वाले सब्जी बनाए थे ना, इसके मसाले है। और यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने ना मसाले अभी नहीं डाले हैं। तो ये आलू की सब्जी बनी थी, उसके मसाले थे अभी। तो आज गाइस मेरे हस्बैंड जी को ना चावल नहीं खाना है, आज खाने उनको पराठे और भिंडी की सब्जी। तो आज पराठे खाएंगे, तो आज चावल डालने बन जाए, पराठे बन जाए। और बाबू को खाने थे आलू की सब्जी, तो उसके आलू की सब्जी बने हैं और वो भी पराठे खाएगा। दोनों के लिए पराठे बनाएंगे। ये गाय देखते ये लंबी नहीं है, पाटे पे खड़ी है। अब लोग इसको लंबा ना समझ लिया। देखिए देखिए, पाटे पे खड़ी है, देख लीजिए। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, शक्कर भी दिखा दो। देख लीजिए गाय पाटे पे खड़ी है। नहीं गाय, ये पाटे पे खड़ी है, ये तो चीटिंग हुई। अगर मैं आज इसकी फेवरेट सब्जी नहीं बनाती ना, तो आज मेरा क्या हाल करता। देखिए बाबू कैसे कर रहा है। ओहो, देखिए मैं और रेखा भाभी आज फिर जूती अब गुथवाने के लिए निकल गए हैं। रेखा भाभी कुछ बोलिए। देख रहा दुकान खुली है, सब देखते हैं दुकान खुली है कि बंद। रेखा भाभी आपको भी गुथवाना है ना, कल तो गए तो बहुत भीड़ था। तो देखिए गाइस, हम लोग ज्वेलरी शॉप में आ गए थे और यहाँ पे रेखा भाभी को भी अपना ज्योतिया का माला चेंज करवाना था, तो वो यहाँ पे मोती सेलेक्ट कर रही थी और भैया से गुथवा रही थी, पूछ रही थी कि कितने में है, क्या है, और साइज़ वगैरह चेक कर रही थी। तो सबसे पहले रेखा भाभी ने करवाया, अब इसके बाद मैं अपना। कौन सा भाभी? नहीं डालते नहीं है, नया वाला यही बनेगा। देखती हूँ उसे कितना बड़ा हो रहा है, इतना चाहिए, इतना तो बहुत छोटा था। तो उसको लेके नाप लीजिए, झूठा नहीं करते, उसी दिन करेंगे नया वाला, उसी दिन पहनेंगे। हाँ नाप के गले में डाल के नहीं, व्रत वाले दिन पहनेंगे। हाँ पुराना वाला रहता तो पहन लेती, नया वाला नहीं। तो रेखा भाभी के तो जूतियाँ गुथ गया था, इसके बाद मेरे मंगलसूत्र भी गुथवाने थे और मेरी ये पायल ना दो सेट खराब हो गई थी, टूट गई थी। तो इसके मैंने बदले में थोड़े और पैसे लगा के ना मैंने न्यू पायल ले लिए। तो ये मतलब काले भी पड़ गए थे और बहुत दिनों से मुझे अब डिज़ाइन से मैं उब गई थी, तो मैंने तो दूसरा डिज़ाइन चेंज कर लिया। तो भैया से बोला मुझे दिखा दो, तो भैया यहाँ पे सबसे पहले मंगलसूत्र दिखा रहे थे, तो मुझे कोई भी मोती जची नहीं। तो मैंने कहा जो मेरी पहले की मोती है ना उसी को बना दीजिए, क्योंकि मुझे पेंच ही बस ख़राब हुए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मैं यहाँ पे पैसे निकाल रही हूँ, सिक्के वगैरह रखी हूँ। गाइस ये मैं लक्ष्मी जी को हर वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ ना, तो सिक्के चढ़ाती हूँ, तो सारे सिक्कों का ना मैंने जेवर वगैरह या फिर ऐसे मतलब जेवर में उसको यूज कर लेती हूँ। इसको मतलब
ये नहीं करते, इसे सामान नहीं खरीदते, तो किसी को देते भी नहीं है। तो मैं जेवर में इसमें पायल में मिला के और पायल न्यू पायल में ले लूँगी और पैसे लगा के। तो ये सब पैसे लेके आई थी और यहाँ पे मैंने ना सिकड़ी भी लेके आई थी। गाइज मेरी सिकड़ी टूट गई थी, बट जो आधी टूटी हुई सिकड़ी लेके आ गई थी, आधी मेरी घर पे रह गई थी, तो उसे मैंने वापस पर्स में डाल दिया। और यहाँ पे मैं ना रेखा भाभी से कह रही थी, भाभी मेरी सिकड़ी लाई होती तो यहाँ मेरा सिकड़ी न्यू बन जाता मतलब। और यहाँ पे मैंने पायल के डिज़ाइन देखे तो मुझे ज़्यादा हैवी भी नहीं लेना था ना पतला। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं रेखा भाभी सेलेक्ट कर रही है, मेरी पड़ोसी, मेरी फ्रेंड, मेरी बहन, जो सब कुछ लगती है मेरी, तो ये सेलेक्ट कर रही है रेखा भाभी। तो इन्हीं के पसंद का आज मैं ले लेती हूँ। तो मैं जो दिखा रही थी ये पतला वाला रेखा भाई कह रही थी, तो ये मैंने पहन चुका है, जो मैं पहन चुकी हूँ ना वो मैं नहीं लेती हूँ डिजाइन। मैं ना न्यू के चक्कर में रहती हूँ हमेशा, जो कपड़े भी जो नहीं यूज कर लेती हूँ वो नहीं पहनती हूँ ना, फिर पायल हो या फिर मंगलसूत्र, तो मेरा ये रहता है कि मैं नए नए पहनूँ। तो यार रेखा भाभी दिखा के थक गई थी, मुझे ना गाइज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और गाइज पता है मेरी मम्मी ना बचपन में मैं जब दुकान में जाती थी ना, तो मेरी दुकानदार मुझसे भाग जाता था, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता था। तो मैं ना शादी के बाद यहाँ आई तो मेरे पति जी ना मेरा लिए सब कुछ ले आते हैं, नहीं तो मैं दुकानदार के पास चली जाऊँ तो सारा कुछ उसका निकलवा देती हूँ, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। और यहाँ रेखा भाभी ने पायल फाइनली दिखाई, ये मुझे थोड़ा सा जचा, तो मैं ये मुझे पायल पसंद आई, आप देख सकते हैं। तो ये भैया को हम लोग दे रहे हैं कि भैया ये पसंद करिए। और यहाँ पे रेखा भाभी के ना जूतियाँ बन गई थी, तो रेखा भाभी इसे चेक कर रही थी अच्छे से। पेंच इसका लगा के देख लीजिए, पेंच लगा के देख लीजिए, रेखा भाभी चेक कर रही है, चेक कर लीजिए। हमको तो ये लग रहा निकल जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं निकलेगा, सब ऐसे कुछ के साथ हमारे पास। तो फाइनली गाइज मुझे ये वाली पायल पसंद आ ही गई, तो अब ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये वाली पायल ले लिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे जूतियाँ दे रही हूँ भैया को और बोल रही हूँ कि इसको मतलब मोती में पिरो दो, क्यों तो भैया यहाँ पे बहुत सारे मोती निकाल रहे हैं, तो उसमें अब बस इनके पास यही रह गया था, क्योंकि आज की भी जूतियाँ थी तो बहुत कस्टमर लेके चले गए थे, तो मुझे जच नहीं रही थी गाइस। तो यहाँ मुझे ना थोड़ी थोड़ी रेड वाली जची, ये मुझे जची, तो मैंने भैया को दिया, बोला इसी को आप पिरो दो। और तो साइज़ में देख रही थी तो मैंने रेखा भाभी की जो जूतियाँ थी ना, रेखा भाभी की साइज अच्छी लगी, तो उससे मैं मिला के और दुकान वाले भैया को दे दी कि इसी साइज का मेरे को पिरो के दे दो। तो यहाँ फाइनली मुझे कलर पसंद आया, लाल कलर, तो इसमें एक मिक्स में था, पीला भी था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। यहाँ मैंने रेखा भाभी के जूतियाँ से मिलाया और इसी साइज का बोला कि इसी साइज का मुझे मेरे लिए भी पिरो दो। तो यहाँ भैया पिरो रहे हैं, मुझे वेट करना पड़ेगा। और मेरे मंगलसूत्र तो बन गया था, पायल भी ले लिया, अब बस जूतियाँ पिरोने की बारी थी। भीड़ नहीं थी गाइस, हम लोग एक दिन पहले आए थे, बहुत भीड़ थी वहाँ से, हम लोग लगा उसके बाद अभी मेरे मंगलसूत्र करिए, कमेंट जरूर करिए। और यहाँ पे मैंने अपने पायल भी रेखा भाभी को उठा के दिखा रही थी, भाभी अच्छी है पायल, काफी दिनों के बाद गाइज मंगलसूत्र पहने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र ना बहुत दिनों से पेंच टूटा हुआ था और मैं ना लाइव वीडियो कोर्ट के चक्कर में आ ही नहीं पा रही थी सुनार के पास। तो यहाँ पे फाइनली मेरा मंगलसूत्र गुथ गया और इसके बाद भैया यहाँ पे मेरी जूतियाँ भी गुथना शुरू कर दिए थे मैंने इनको, और यहाँ मेरी जूतियाँ गुथ के रेडी हो गई थी, आप देख सकते हैं। तो ये जो नई जूतियाँ मोती में गुथी है, इसको हम लोग जूतिया के दिन पूजा करके पहनेंगे। इसके बाद यहाँ भैया का हिसाब कराया और भैया यहाँ पे पर्ची वगैरह बना रहे थे, पायल दिए थे ना न्यू,
और मोती वगैरह फिल हुए थे, तो सबका मैंने यहाँ पे पेमेंट किया। गाइज अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। और किस किस की यहाँ ज्योतियाँ कब हो रही है, हमारे यहाँ तो 25 तारीख की ज्योतियाँ है गाइज, तो 25 को ज्योतियाँ करनी चाहिए, सप्तमी रही तो अष्टमी नहीं करना चाहिए ज्योतियाँ, तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखा करिए, इससे संतान के ऊपर कष्ट आता है तो इसका ध्यान जरूर रखना। और इसके बाद हम लोग यहाँ से सामान वामान लेके निकल गए थे, और यहाँ रेखा भाभी भी से भी मैं बोल रही थी चलिए रेखा भाभी अब घर चला जाए, तो यहाँ पे रेखा भाभी अपनी ज्योतियाँ को फिर से देख रही थी, तो मैं इनसे मजाक कर रही थी भाभी बहुत ध्यान से देखती है हर चीज़, तो कह रही थी हाँ मैं एकदम हर चीज़ ध्यान से देखती हूँ। इसके बाद हम दोनों लोग यहाँ से निकल गए थे गाइस। गाइस मैं घर पे भी आ गई, और अभी मैंने ये मंगलसूत्र भी बनवा लिया और ज्योतिया भी हो गया और हमारी पायल भी हो गई गाइस, तो मेरी जो पुरानी पायल थी उसको मैंने दे दिया और नई पायल बनवा ली, तो आप देख सकते हैं बस थोड़े से पैसे लगे हैं। तो देखिए गाइस फाइनली मैंने न्यू पायल हो या ड्रेस कुछ भी हो तुरंत लाते मेरे अंदर ना खलबली सी मच जाती है और मैं पहन ही लेती हूँ, तो यहाँ मेरे से तो रहा नहीं गया। अगर पितृपक्ष में ना माना जाता है न्यू नहीं पहनते हैं, बट हमारे सास ससुर तो भी जिंदा है, तो मम्मी बोलती हैं कि तुम लोगों को परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके सास ससुर जिंदा होते हैं ना उन्हें परहेज नहीं करना चाहिए, तो मैंने पायल डाल लिया है। तो गाय अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो अभी मैं कुछ आई ना खाने में चावल दाल कुदरन के सब्जी प्याज मिर्ची अचार है हमका, तो घर मेरे खाने में ना चावल ना रहे तो मैं नहीं खाना खाती हूँ, तो अभी खाना खाएंगे फिर एडिटिंग करेंगे। तो आज तो हम लोग का ज्योतिया हो गया, मतलब नए धागे निकल देते हैं, और एक धागा भी है वो भी चढ़ाते हैं ज्योतिया में, वो भी आप लोग को हम दिखाएँगे, तो कल हम लोग नहाए खाए करेंगे और उसके अगले दिन ज्योतिया कर रखेंगे, जूत पुतले का व्रत करेंगे जिसको और यूपी और बिहार की भाषा में ज्योतिया बोलते हैं। तो आज खा रहे थे कल नहाए खाए मतलब है, इसके बाद कल जो करेंगे नहाए खाए के दिन क्या क्या करते हैं सब कुछ वीडियो में दिखाएंगे। तो बहुत जगह यार नहाए खाए कल पादन कल व्रत है, बट हमारे यहाँ तो परसों ही हो रहा है, 25 तारीख की ज्योतिया है, 25 तारीख की ज्योतिया हम लोग यहाँ हो रही है, उसी दिन की ज्योतिया सही है। आज जो कल कर रहे हैं ना तो सप्तमी रही अष्टमी नहीं की जाती है, सप्तमी रही अष्टमी करने के ना संतान के ऊपर आता है, तो इसलिए हम 25 तारीख की ज्योतिया कर रहे हैं। तो जब भी थोड़ी दिन भी सप्तमी रहे वो अष्टमी नहीं करनी चाहिए व्रत, 25 तारीख को ही करना है। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं 25 को ही करें, कल नहाए खाए करेंगे 24 तारीख को, और 25 की ज्योतिया है उस अगले दिन पारना, तो हम लोग ऐसे ही व्रत करें। तो गाइस आप सबको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।